आज आपको लेके जा रही हूँ जी मनठोका वाटरफॉल की तरफ। और मनठोका वाटरफॉल का एक राज है जो शायद किसी को नहीं पता। ऊपर से गिरता हुआ पानी, नीचे बहती हुई नदी, एक रात तो बनती है। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत ट्री हाउसेस बने हुए हैं। ऐते कमाल हो गया है जी। जी तो जनाब, आप यकीनन बहुत बेताब होंगे ये जानने के लिए कि मनठोका वाटरफॉल का कौन सा ऐसा राज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फिजा बाबरवान आजकल आपको करा रही हूँ जी मैं गिलगित बल्तिस्तान की सैर। और गिलगित बल्तिस्तान अगर कोई व्लॉगर, यूट्यूबर या कोई भी टूरिस्ट ये सोचता है कि उसने पूरा देख लिया है तो उसकी गलत फहमी है जनाब। ऐसा नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान को पूरा देखने के लिए आपको कम से कम एक उम्र चाहिए या फिर आपको वहां जाके रहना चाहिए, तब आप शायद कह सकें कि आपने गिलगित बल्तिस्तान देख लिया है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान बहुत बड़ा है। तो जनाब मेरी भी ये गलत फहमी थी, मुझे भी ये लगता था 4-5 टूर करके कि मैंने गिलगित बल्तिस्तान देख लिया है, जो कि मेरी गलत फहमी दूर हो चुकी है। तो आज आपको लेके जा रही हूँ जी मनठोका वाटरफॉल की तरफ। और मनठोका वाटरफॉल का एक राज है जो शायद किसी को नहीं पता, वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलें चलते हैं आज मनठोका वाटरफॉल। राइट साइड पे मनठोका वाटरफॉल और दूसरी जो लोग खामोश वाटरफॉल कहते हैं उसका नाम खमश वाटरफॉल है। तो ये खमश वाटरफॉल और मनठोका वाटरफॉल को जा रहे हैं जी। तो जनाब आपको लेके जा रहे हैं हम मनठोका वाटरफॉल की तरफ। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो खमश वाटरफॉल भी आपको दिखाएंगे, जिसको के लोग खामोश वाटरफॉल कहते हैं। मैं भी पहले खामोश ही कहती थी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। अब यहाँ जब यहाँ आई हूँ तो लोकल लोगों से बात हुई, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला जी उसका नाम खमश है। रास्ता देखें जनाब कितना खूबसूरत है, बाकी तो सब छोड़ दें। और मैं तो इन लोगों को बहुत खुशकिस्मत कहती हूँ जो पहाड़ों पर रहते हैं, जो नेचर के बहुत करीब रहते हैं। खुशकिस्मत लोग हैं, आर्टिफिशियल ज़िंदगी नहीं जीते हमारी तरह। हमें तो कोई चीज़ भी जो है शहरों में खालिस नहीं मिलती। तो जनाब वाटरफॉल का राज जानने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा और मेरे व्लॉग को एंड तक देखना पड़ेगा। और आप लोग इतने कंजूस हैं, कभी लाइक भी कर दिया करें, लाइक करने से कोई नहीं आपके फिंगरप्रिंट्स मिट जाते। ऐसे तरतीब से जो ये दरख्त लगाए हुए हैं, ऐसे लाइन है इनकी पूरी की पूरी। ये है जी हुसैनी मार्केट और यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे मनठोका वाटरफॉल के लिए। सर्दियों के दिन हैं, बहुत छोटे छोटे से यहाँ पहुँचते पहुँचते दुआ कर रहे हैं बस अंधेरा ना हो, अंधेरा होने से पहले पहुँच जाए। वापसी पे खैर है अगर अंधेरा भी हो जाएगा तो। पत्ते सारे जैसे अपना रंग बदल रहे हैं तो फिर वो झड़ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, और जब वो नीचे गिर जाते हैं तो नीचे की खूबसूरती और ज़्यादा दुगनी हो जाती है, उसको आप बयान नहीं कर सकते। मतलब मैं किस चीज़ की तारीफ़ करूँ कि क्या क्या खूबसूरती है यहाँ पर। ये जन्नत है, हमारा पाकिस्तान टोटली जन्नत है। पहाड़, नदियाँ, नाले, ये अल्लाह की कुदरत देखें कि ये जो मौसम है, ये जो सीज़न है, ये भी अपने अरूज पर है और इसको देखने का भी अपना ही मज़ा है। जो लोग छुट्टियों में, उनकी तो मजबूरी होती है, जून जुलाई में आते हैं, अगस्त तक आते हैं, लेकिन ये जो खूबसूरती आपको मिलती है ना जी ख़िज़ा के मौसम में, वो भी कमाल है। और जो इस खूबसूरती को देख सकते हैं वो खुशकिस्मत लोग होते हैं, क्योंकि हर किसी को ये नसीब नहीं होता। अल्लाह ताला हर किसी को जो है वो देखने की तौफीक अता करे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे बहन भाई जो सिर्फ वीडियो देख के दिल को तसल्ली देते हैं, अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किलें आसान करे और वो लोग भी आएँ और अपनी आँखों से देखें अल्लाह की बनाई हुई कुदरत को और इन खूबसूरत वादियों को। चेक करें ज़रा वो पीले रंग का जो दरख्त है, वो ऐसे लग रहा है जैसे सोने की पत्तियां लगी हैं उसके ऊपर। नाकाबले बयान है, मतलब आप बयान ही नहीं कर सकते।
लें जनाब, फाइनली हम पहुंच गए हैं मनठोका वाटरफॉल। चलें जी दिखाते हैं आपको, आपको बल्कि दीदार करवाते हैं। और इनको मैं अक्सर देखती थी वीडियोस में। हेलो, ये मेरे आने की खुशी में शोर मचा रही है। और इन्होंने मेरे आने का बकायदा इस्तकबाल किया। मैं इनको अक्सर वीडियोस में और तस्वीरों में देखती थी। लें जी आपने देख ली, अब मैं ज़रा थोड़ी सी अपनी तस्वीरें वगैरह बनाऊंगी, बाकी फिर आपको जब फाइनल वीडियो होगी तो उसमें पता चलेगा। अब मैं जाऊंगी दूसरी तरफ उधर और वहाँ पे मैं अपनी तस्वीरें बनाऊंगी, अगर हो सका तो थोड़ी वीडियो भी बनाऊंगी। अभी मैं उधर जाती हूँ। मनठोका वाटरफॉल का आप दुनिया की किसी भी खूबसूरत वाटरफॉल के साथ कर सकते हैं। ये इतनी खूबसूरत है, ऊपर से गिरता हुआ पानी, नीचे बहती हुई नदी और उस नदी में शामिल होता हुआ मनठोका वाटरफॉल का पानी एक सहर तारी कर देता है। और इसका लुत्फ लेने के लिए आपको यहाँ आकर बैठ के महसूस करना होगा, दूर से नहीं हो सकता। तो देखें और इंजॉय करें। Thank you.
अच्छा जी, यहाँ पर हैं ट्री हाउस। मैंने सोचा रहना तो नहीं है लेकिन विजिट ज़रूर करूँगी, तो लेट्स गो देखते हैं कि ट्री हाउस कैसे हैं। एक दो, ये इसकी एंट्रेंस है और ये अभी वो ओपन करेंगे। और ये तीन ऊपर, ब्यूटीफुल, वाह जी वाह, ऐसे कमाल हो गया। मनठोका वाटरफॉल का आप दुनिया की किसी भी खूबसूरत वाटरफॉल से मुकाबला कर सकते हैं, ये इतनी खूबसूरत है। और यहाँ पर कम से कम इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए एक रात तो बनती है। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत ट्री हाउसेस बने हुए हैं, आप वहाँ रात गुजारें, वहाँ रहें, रात देखें कैसा खूबसूरत नज़ारा है, और दिन को भी देखें कि सूरज के साथ जब सूरज की पहली किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो पानी कितना खूबसूरत लगता है ऊपर से गिरता हुआ। और अगर आप खुशकिस्मत हैं, अगर आपको मिल गई है चौदहवीं की रात वहाँ पर, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। वो दूधिया पानी वो आपके कमरे के अंदर से आपको कितना खूबसूरत नज़ारा पेश करेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि ये इतनी खूबसूरती। और रह गई राज की बात, तो जनाब हमारे साथ जुड़े रहें, आपको बताते हैं। हैं जी, तुसी ते जंगल च मंगल कीता है। ले जी, अगर किसी का भी दिल चाहे कि वो आए और आके मनठोका वाटरफॉल पे नाइट स्टे करे और व्यू के साथ, तो आप यहाँ पे तशरीफ लाएं, ट्री हाउस एंजॉय करें। मैंने चूंकि सुबह निकलना है गिलगित के लिए, इसलिए वापस जाऊंगी, वरना मैं यहाँ पर ज़रूर स्टे करती और मॉर्निंग क्या कमाल की होती। उफ, सुबह के टाइम आप सूरज निकलने के साथ ये व्यू देखते, कमाल होता, खूबसूरत। और बहुत छोटा सा और बड़ा क्यूट सा, बड़ा मज़े का बनाया ये कमरा। और ये तीन कमरे हैं इनके पास, बाकी के पे काम चल रहा है कहते हैं। हर चीज़ की सहूलत है यहाँ पे, हीटर है, छोटा सा खूबसूरत सा बेड है, लें जी। मनठोका वाटरफॉल के सामने ट्री हाउस। जी तो जनाब, आप यकीनन बहुत बेताब होंगे ये जानने के लिए कि मनठोका वाटरफॉल का कौन सा ऐसा राज है। तो राज ये है जनाब कि ये कुदरती नहीं है, ये पावर हाउस है, और पानी को ड्रेन करने के लिए पहाड़ के ऊपर से नीचे गिराया गया है। और जब वो पहाड़ के ऊपर से नीचे आती है तो इतना खूबसूरत मंजर पेश करती है कि वो दुनिया की बेहतरीन वाटरफॉलों में शामिल हो गई। और मैं दाद दूंगी उनके दिमाग को, जिन लोगों ने ये सोचा, जिन लोगों ने ये जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं या एक अच्छा खूबसूरत पॉइंट बनाया लोगों की तफरी के लिए। तो जनाब राज ये था कि ये नेचुरल नहीं है, ये इंसानी दिमाग की तख्लीक है। चलें जी, अब चलते हैं वापस स्कर्दू और सुबह निकलेंगे गिलगित के लिए। तो इंशाल्लाह फिर स्कर्दू से गिलगित के रास्ता आपको सारा दिखाएंगे, और फिर गिलगित हम कहाँ कहाँ जाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अगर थोड़ी हिम्मत हुई, ज़्यादा थकावट ना हुई वापस पहुँचने तक। तो जहाँ मैंने अभी स्टे करना है वो इतनी खूबसूरत जगह है, उसका गार्डन, वो गेस्ट हाउस जो बना हुआ है वो इतना खूबसूरत है, उसको अभी रात को अगर दिखा सकी तो ठीक है, वरना फिर सुबह मॉर्निंग में आपको ज़रूर विज़िट करवाऊँगी। आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, क्योंकि वो उसके अंदर इतने ज़्यादा बाहर से इम्पोर्ट किए हुए फ्लावर्स हैं, बेशुमार अलग अलग किस्म के पौधे हैं, और एक सेब का दरख्त है जिसको पैवंद करके 5 किस्म का सेब उस पर लगा हुआ है, वो भी आपको दिखाऊँगी सुबह इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो फिर सुबह मुलाकात होती है।